डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डीम्ड वन की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने उस विवादास्पद आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें संशोधित वन अधिनियम के तहत डीम्ड वन श्रेणी को बंद करने की घोषणा की गई थी। तो चलिए जानते हैं कि डीम्ड वन क्या है। डीम्ड वन उस वन भूमि को संदर्भित करता है जो जंगल की शब्दकोश परिभाषा को पूरा करती है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर इस रूप में नामित नहीं किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 सहित किसी भी कानून में डीम्ड वनों की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने डीम्ड वनों की पहचान स्वामित्व के बावजूद वनों की विशेषता वाली भूमि के रूप में की है। समिति ने 2002 में एक रिपोर्ट में कहा था कि वन विभाग के सभी घने जंगलों वाले बागानों को डीम्ड वन माना जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि डीम्ड वनों के संदर्भ में न्यायिक व्याख्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएन गोदावर्मन थिरुमुल पाद केस, जो कि 1996 का था, उसमें डीम्ड वनों की व्यापक व्याख्या की और इसकी परिभाषा तय की। यह परिभाषा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी जंगलों को शामिल करती है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के उद्देश्य के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हो। कोर्ट के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में शामिल वन भूमि के शब्द के तहत न केवल जंगल शामिल होगा जैसा कि शब्दकोश में समझा जाता है, बल्कि स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र भी इस परिभाषा में शामिल होंगे। और आखिरी में जानते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बारे में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की बात करें तो इसे जंगल से संबंधित कानून, वन उपज के पारगमन और लकड़ी और अन्य वन उपज पर लगाए जाने वाले शुल्क को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी है, यानी कि यह अधिनियम केंद्र सरकार और स्थानीय ग्राम पंचायतों की सहमति के बिना भूमि परिवर्तन को रोकता है। यह अधिनियम वनों से संबंधित है, अर्थात आरक्षित वन, ग्राम वन, संरक्षित वन और निजी वन। कोई राज्य वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित कर सकता है और इन वनों से उपज बेच सकता है। आरक्षित वनों में पेड़ों की अनाधिकृत कटाई, उत्खनन, चराई और शिकार पर जुर्माना या कारावास या दोनों लगाए जा सकते हैं। ग्राम समुदाय को सौंपे गए आरक्षित वनों को ग्राम वन कहा जाता है। राज्य सरकारों को संरक्षित वनों को नामित करने का अधिकार है। राज्य इन जंगलों से पेड़ों की कटाई, उत्खनन और वन उपज को हटाने पर रोक लगा सकता है। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, डीम्ड वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये वन उस वन भूमि को संदर्भित करता है जो जंगल की शब्दकोश परिभाषा को पूरा करती है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर इस रूप में नामित नहीं किया गया है। और कथन दो है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में इन वनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।